देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के मरीजों की संख्या 9000 के पार, 300 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, 856 लोग ठीक होकर लौटे अपने घर। कोरोना से जंग के बीच पीएमओ के निर्देश पर केंद्र सरकार के मंत्रियों ने दफ्तर पहुंचकर शुरू किया कामकाज। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, किरण रिजिजू समेत तमाम मंत्री पहुंचे ऑफिस। संक्रमण रोकने की चुनौती के बीच केंद्र सरकार ने जान भी जहान भी रणनीति के तहत सरकारी कामकाज को पटरी पर लाने की कवायद की शुरू। कोरोना वायरस के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित पीएम केयर्स पर उठे सवाल। वकील एमएल शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स को लेकर दायर की गई याचिका, आज होगी कोर्ट में सुनवाई। मध्य प्रदेश में बहुमत परीक्षण की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा राज्यपाल का बहुमत परीक्षण कराने का फैसला सही, कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को किया खारिज। आज देश में मनाया जा रहा है बैसाखी का त्योहार, पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। ट्विटर पर पीएम ने बैसाखी संदेश के साथ साथ जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को भी किया याद। कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ को गूगल ने किया सलाम। डूडल बनाकर सभी डॉक्टरों, नर्स और मेडिकल स्टाफ को कोरोना के खिलाफ जंग में 24 घंटे तैनात रहने के लिए किया शुक्रिया। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 18 लाख से ज्यादा लोग बीमार, मौत का आंकड़ा 1,14,000 के पार। अमेरिका में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, वायरस के मामले में अमेरिका ने इटली को भी छोड़ा पीछे। अमेरिका में बढ़ता जा रहा कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा, कोरोना से 24 घंटे में हुई 1500 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में 5 लाख से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित, अब तक 22,000 से ज्यादा ने तोड़ा दम। कोरोना का कहर शेयर बाजार पर हावी, हरे निशान में खुलने के बाद सेंसेक्स में 627 अंकों की गिरावट, वहीं निफ्टी में आई लगभग 158 अंक की गिरावट। कोरोना का मात देकर घर पहुंची पॉपुलर प्रोड्यूसर करीम मोरानी की दोनों बेटियां जोआ और शजा मोरानी, घर पहुंचकर डॉक्टर्स को किया शुक्रिया। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।